खबर जनपद श्रावस्ती से, जहां पर श्रावस्ती जनपद के सिरसिया क्षेत्र के अंतर्गत राजगुरु जुड़पनिया गांव के पास से निकले नहर पर पुल न होने के कारण गांव वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि हम लोगों का खेत नहर के दूसरे बगल है, किसी का 10 बीघा तो किसी का 5 बीघा, किसी का 15 बीघा खेत है और खेत को आने जाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस रास्ते से कई गांव का निकास भी है। हम लोग पानी में जाकर तब खेत तक पहुंच पाते हैं और अनाज भी लाने में समस्या होती है और प्रतिदिन अगर इसी पानी में आते जाते रहे तो हम लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। कुछ दिन पहले ही 1-2 बच्चे भी डूबने से बचे हैं और जब नहर विभाग वालों से बात करते हैं तो नहर विभाग वाले बताते हैं कि 3 किलोमीटर दूर पर रास्ता दे दिया गया है, उसी से आओ जाओ। लेकिन अब गांव वालों का कहना है कि कितनी दूर से छोटे बच्चे और जानवर लेकर कैसे जाएं। मौके पर रिजवान प्रधान, ओमकार, ओम प्रकाश, पप्पू और अन्य लोग मौजूद रहे। नाम है आपके? हमारा सजनी गांव है। कौन गांव रहते हैं? जुड़पनिया। क्या दिक्कत है? यह पुल नहीं मिला था, पुल का हम लोग पानी में उतरी थे, रोज रोज दवाई डॉक्टर के ढोई थे। कितने गांव के लोग उतर रहे हैं? 5 गांव का आदमी नहीं उतर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ बता दिया, बता दो कि फांसी लगाओ, एक परी मरे एक परी आत्महत्या करे। अगर ना दिया है पुल तो हम लोग यहाँ बूढ़ मर जाब है। क्या नाम है आपका? रामराज यादव। कौन सा ग्राम सभा के? ग्राम पंचायत राजगुरु जुड़पनिया। अच्छा, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोगों की यह है कि ये हमारे राजगुरु जुड़पनिया का मुख्य मार्ग खंड 3 में पड़ता है सरजू नहर पे, और राजगुरु जुड़पनिया, चैलाही, सोनबरसा, बदलपुर आदि कई गाँव से लोग इस पे आते जाते हैं, जिसकी प्रार्थना पत्र हम लोग जिलाधिकारी श्रावस्ती, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सिंचाई विभाग को कई प्रार्थना पत्र दिए, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं और इनमें तमाम डूबने की हमेशा आशंका बनी रहती है और भविष्य में लगभग इस क्षेत्र के लगभग 5,000 हेक्टेयर जमीन उस पार पड़ती है, जिससे हम लोगों का जीवन यापन होता है और इस नहर की वजह से हम लोग भूखों के कगार पर पहुँच चुके हैं। जब तक इसके पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक हम लोग खुदाई नहीं करने देंगे। और आपके? श्याम कला। कौन सा गांव है? कौन गांव में रहते हैं? क्या समस्या है? मैं पुल दे दिन जाए, हम सब बूढ़े थे यही महीना, आगे हम खेत जाए थे, पीछे लड़कियां जाते, अब नहीं दिया खेल के लड़कियां घर आई है, बूढ़ी मर जाए तो हम खेती हमारे 2 बीघा रहा है तो मरी जावा जाए साहेब, भाई बरखम हम बूढ़े थे बचन है, हमारे परिवार ना हुआ तो हमारा लड़का ना हुआ तो हम बूढ़ी जाए। कितने दिन से ये पुल खराब है? और ये पुल तो बहुत दिन से खराब है, हम तो बहुत दिन से मांगे था कि वहाँ फटवा बना है तो हम पुल मांगी तो साहेब मरी जाए भाई, आज 4-4 बजे खेत गए देखो 1,000-1,500 का दवाई कराए हैं। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश यादव। कौन सा ग्राम सभा? राजगुरु जुड़पनिया। आपको क्या समस्या है? समस्या ये है कि पुल कम से कम 5,000 लोगों का उधर से जीवन यापन हो रहा है, इसमें तमाम बाल बच्चे, बच्चे औरतें, माँ बहन बेटी तमाम निकलते हैं, पशुधन भी जाते हैं, आवागमन में बड़ी असुविधा होती है, जिसके लिए तमाम जनता, गांव के जनता और हम लोगों ने मिल करके कई जगह पर फरियाद लगाए, कहे इतनी मुसीबत है, इतनी समस्याएं हैं कि 5,000 परिवार का निर्वहन होना नामुमकिन है, उनके पेट पर लात मारा जा रहा है, एक पुल की आवश्यकता है, चाहे वो क्यों ना ही छोटा मिल जाए, जिससे आवागमन का साधन लोगों को उपलब्ध हो जाए, अपने जीवकोपार्जन सुदृढ़ रूप से अपना कर सकें।